लॉजिक गेट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जो आपके गिवेन इनपुट्स का लॉजिकल ऑपरेशन करके, मतलब उसका एक फिक्स्ड ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन करके आपको आउटपुट देता है। ठीक है। अच्छा, लॉजिक गेट कितने तरह के होते हैं? 7 तरह के लॉजिक गेट होते हैं। ठीक है। एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। एंड और नॉट को हम लोग बेसिक गेट बोलते हैं। दूसरा टाइप ऑफ गेट हो गया नैंड और नॉट, इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। और तीसरा टाइप हो गया जोर गेट और एक्स नॉर गेट, इसको हम लोग एक्सक्लूसिव गेट बोलते हैं। अच्छा, एंड और नॉट गेट को बेसिक गेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही तीनों से बाकी सारे गेट्स मिलके बने होते हैं। जैसे आप नैंड बनाना है, नॉर बनाना है, एक्सक्लूसिव और बनाना है, या एक्सक्लूसिव नॉर बनाना है, वो तीन सारे गेट्स आपको एंड और नॉट के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसीलिए एंड और नॉट को हम लोग बेसिक गेट बोलते हैं। नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका यूनिवर्सल यूज होता है। मैं आपको बोलूं कि 10 टाइप के सामान को मैनेज कीजिए, और मैं आपको बोलूं कि 2 टाइप के सामान को मैनेज करें, तो आपको कब आसान रहेगा? 2 टाइप के। तो नैंड और नॉर के यूज से आप कोई भी गेट बना सकते हैं। तो इसीलिए इसको सब जगह यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे को कंप्यूटर बनाना है, तो मैं एंड और नॉट लेके बैठूंगा तो कौन एंड है, कौन नॉट है, कौन और है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ 2 गेट लूंगा, नैंड और नॉर, और उसका कॉम्बिनेशन अगर मैं चेंज कर दूंगा ना, तो मुझे सारे गेट्स मिल जाएंगे। इसीलिए नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, क्योंकि ये सब जगह यूज होता है। इंडस्ट्रीज वगैरह में यही यूज होता है, एंड और नॉट यूज ज्यादा नहीं होता। एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इसको हम लोग एक्सक्लूसिव गेट बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ एक्सक्लूसिव ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, इसलिए इसको हम लोग एक्सक्लूसिव गेट्स बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिक गेट में जो पहला गेट अपने को पढ़ना है, दैट वन इज एंड गेट। अब एंड गेट का यहाँ पर आपको सिंबल दिया हुआ है, डी टाइप का सिंबल होता है। इसमें 2 आपको इनपुट्स दिए गए, ए और बी, और एक आपको आउटपुट दिया गया है डी। जो आउटपुट होता है वो इनपुट्स का प्रोडक्ट होता है, ए इंटू बी। अब इनपुट्स देखते हैं, तो ए और बी के अगर पॉसिबल इनपुट्स देखा जाए तो क्या क्या हो सकता है? 00, 01, 10 और 11। अगर 00 है, इसका प्रोडक्ट अपन करेंगे तो 0 आएगा, यानी डी जो आपका आउटपुट है वो कितना आ जाएगा? 0। 01 का प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा, 10 का प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा, और 11 का 1 आएगा। अच्छा, एंड गेट को आप सर्किट से भी समझ सकते हैं। जैसे सपोज करें कि इस टाइप का सर्किट दिया गया, जिसमें ए आपको स्विच 1 है और बी आपको स्विच 2 है, यहाँ पे आपको सेल कनेक्टेड है और यहाँ पे आपको बल्ब दिया है। अब यहाँ पर 0 मतलब होगा ओपन और 1 मतलब होगा क्लोज्ड। अगर मान लीजिए कि S1 आपका ओपन है और S2 भी आपका ओपन है, मतलब दोनों स्विच आपको ओपन है, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। अगर मान लीजिए कि S1 ओपन है और S2 क्लोज्ड है, तो भी बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। अगर मान लीजिए कि S1 क्लोज्ड है और S2 ओपन है, तो भी बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। और अगर मान लीजिए कि दोनों क्लोज्ड है, दैट इज दोनों 1-1 है, तब बल्ब जलेगा, यानी तब आपको रिजल्ट क्या आया? 1। सेकेंड जो बेसिक गेट जो अपने को पढ़ना है, दैट वन इज और गेट। और गेट का आप सिंबल देख सकते हैं, बस ये एंड की तरह होता है, लेकिन ये वाली जो लाइन जो है ना, एंड गेट में स्ट्रेट होती है और ये कर्व होती है। अगेन यहाँ पे 2 इनपुट्स दिए गए, ए एंड बी, और एक आउटपुट जो दिया गया है वो डी है। अगर आप किसी 2 सिग्नल का एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो दोनों सिग्नल का जो रिजल्ट होगा डी, दैट कम्स ए प्लस बी। ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी आपको 2 सिग्नल है। कितने सिग्नल्स हो सकते हैं? सिग्नल्स आपको क्या क्या हो सकता है? 00, 01, 10 है, 11। इसके अलावा 4 के अलावा 5वां सिग्नल पॉसिबल नहीं है। अच्छा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0, 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 1। तो आप एंड ऑपरेशन करके, मतलब जोड़ के, एंड करके जोड़ के आप और गेट का रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको सर्किट में अगर अपन देखते हैं, यहाँ पर आपको सर्किट बना हुआ है, दिस वन इज अ बल्ब, और ये 2 स्विचेस दिए गए S1 S2, और यहाँ पे आपको सेल कनेक्टेड है। अगर मान लीजिए कि मैं 0 का मतलब होता है ओपन, 1 का मतलब होता है क्लोज्ड, अगर मैं दोनों स्विच ओपन रखा हूं, तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, इसके कारण से आपको ये बल्ब नहीं जलेगा। जैसे सपोज करिए कि ए को मैंने ओपन रखा, जैसे ए को मैंने ओपन रखा लेकिन बी को क्लोज कर दिया, तो करंट, एक सर्किट कंप्लीट हो गया, यानी करंट फ्लो हो जाएगा, यानी बल्ब जलेगा। तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मान लीजिए कि इसको ओपन रखा और इसको क्लोज किया, तो भी आपको सर्किट कंप्लीट हो गया, बल्ब जल सकता है, यानी फिर 1 प्लस 0 आपको 1 होगा। और अगर मान लीजिए कि दोनों को मैंने क्लोज रखा, तो करंट फिर दोनों में से कहीं भी से भी मूव कर सकता है, और बल्ब आपको क्या होगा? जलेगा। तो
तो जनरली और गेट में क्या होता है कि दो सिग्नल को जोड़ के जो आता है उसको हम लोग देखते हैं, यानी डी इज इक्वल टू ए प्लस बी। थर्ड जो आपका बेसिक गेट है डेट वन इज नॉट गेट। तो देख सकते हैं आप नॉट का सिंबल एक ट्रायंगल के ऊपर एक सर्कल लगाते हैं, इट कम्स टू बी अ सिंबल ऑफ नॉट गेट। अच्छा, नॉट गेट में एंड और की तरह दो इनपुट्स नहीं होते, इसमें एक ही इनपुट होता है, एक आउटपुट। एक आउटपुट तो वहां पे भी होता था और वहां पे दो इनपुट्स होते थे, और यहाँ पे एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। सिंबल आपने देख लिया। अब जैसे ट्रुथ टेबल अगर आप बनाते हैं, ट्रुथ टेबल, तो देखिए ट्रुथ टेबल में क्या है, ये ए है और ये डी है। तो जो डी होता है ना वो ए का बार होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं ए के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो ए जो है वो नहीं होना चाहिए, दैट वन इज ए बार। तो ए सिग्नल मान लीजिए एक बार जीरो होगा और एक बार वन होगा। इसमें चार पॉसिबल सिग्नल्स नहीं हो सकते, इसमें सिर्फ दो पॉसिबल सिग्नल्स हो सकते हैं, जीरो और वन। तो जीरो है तो जीरो नहीं होना चाहिए, तो बच गया कौन, वन। और वन है तो वन नहीं होना चाहिए, तो बच गया कौन, जीरो। तो जीरो का वन होता है, वन का जीरो होता है, अगर आप किसी सिग्नल का नॉट ऑपरेशन कर रहे हैं तो। नैंड गेट में देख सकते हैं एंड के पहले एक एंड जुड़ गया है, दैट वन इज एंड के पहले नॉट। तो जैसे अपना सिंपल सा एंड बनता था डी, वही एंड रहेगा, लेकिन बीच में आपको एक सर्कल आ जाएगा, वो सिंबल है नॉट का। तो ये आपको नैंड का सिंबल होता है, आप देख सकते हैं। अच्छा, जैसे एंड में दो इनपुट्स होता है, तो दो इनपुट्स आपको ए बी हो गया और एक आउटपुट आपको क्या हो गया, डी हो गया। अब ये ट्रुथ टेबल अपन बनाएंगे, तो सबसे पहले देखेंगे डी क्या है। तो डी देख रहे हैं, पहले एंड ऑपरेशन हो रहा है और उसके बाद उसका क्या लग जा रहा है, बार, मतलब उसका क्या हो जा रहा है, नॉट। तो पॉसिबल इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं ए और बी का देखा जाए, तो ए और बी है तो पॉसिबल इनपुट्स आपको हो सकता है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इसका अगर अपन एंड करेंगे तो एंड मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, एंड मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो 0 × 0 0 0 × 1 0 1 × 0 0 1 × 1 1। अब इसका नॉट लेना है, मतलब जो है वो नहीं, उसका उल्टा। तो जीरो का वन हो जाएगा, जीरो का वन हो जाएगा, जीरो का वन हो जाएगा और वन का जीरो हो जाएगा, दैट वन इज नैंड गेट। नेक्स्ट जो आपको यूनिवर्सल गेट है, दैट वन इज नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होता है, और के पहले नॉट लगा, तो पहले हम लोग ए और बी का और ऑपरेशन करेंगे और उस पर हम लोग क्या कर देंगे, बार लगा देंगे, दैट इज नॉट कर दिए। तो ए और बी पॉसिबल इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अगर इसका अपन और ऑपरेशंस करते हैं तो 0 0 का और का मतलब होता है जोड़ना। तो 0 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 और 1 + 1 भी 1 ही होता है, क्योंकि आप 2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बाइनरी लैंग्वेज यूज करना है, मतलब इसमें दो ही डिजिट्स हो सकते हैं। तो 1 + 1 1। अब इसका आपको करना है नॉट। तो 0 का जो 0 है वो 0 नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। 1 है तो 1 नहीं हो सकता है, तो 0 होगा, 1 का 0 और 1 का 0। तो ये आपको ट्रुथ टेबल हो गया किसका, नॉर गेट का। तो देखिए अभी हम लोग देखेंगे कि नैंड और नॉर गेट का यूज करके किस तरीके से हम लोग नॉट, एंड और गेट बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नैंड का यूज करके, नैंड गेट का ये सिंबल है, इसको यूज करते हुए कैसे अपन नॉट गेट बना सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि नॉट गेट में एक इनपुट होता है और एक आपको आउटपुट होता है, जबकि नैंड में दो इनपुट होता है, तो आप क्या करेंगे, दोनों इनपुट को ज्वाइंट कर देंगे तो आपको एक इनपुट आ गया। वही सेम इनपुट आपको दोनों में जा रहा है और इसका आउटपुट जो है आपको डी, ये जो होगा वो ए का बार होगा, मतलब ये लॉजिक गेट जो है वो नॉट की तरह बिहेव करेगा। आप इसको ट्रुथ टेबल से भी चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए ए मैंने इनपुट दिया, तो ए या तो जीरो होगा या तो वन होगा, दूसरा इनपुट भी ए ही है तो वो भी जीरो, अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो होगा, ये वन है तो ये भी वन होगा। इन दोनों का मैंने किया एंड, तो एंड मतलब मल्टीप्लाई, तो 0 × 0 0 1 × 1 1 और उसका कर दिया नॉट, तो 0 का 1 हो गया और 0 1 1 का नॉट, 1 का 0 हो गया। तो आप देखिए जब इनपुट आपने 0 दिया तो आउटपुट आपको 1 मिला, और जब इनपुट आपने 1 दिया तो आउटपुट आपको 0 मिला। ऐसा होता है नॉट गेट में, यानी ये नैंड गेट जो है आपको नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। अब नेक्स्ट जो है वो आपको ये है कि नॉट एंड गेट आपको बनाना है बाय द यूज ऑफ नैंड गेट। तो अगर नैंड गेट को आप इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो ये आपको जो बनेगा वो एंड गेट बनेगा। तो इसमें देखिए दो नैंड गेट आपने यूज किया। अब देखिए यहाँ पे इनपुट्स आपको ए बी है और आपको आउटपुट डी है, जो डी जो है वो एंड गेट की तरह मिलेगा। इसको आप चाहे तो ट्रुथ टेबल से भी चेक कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए कि ए बी का इंटरमीडिएट आउटपुट आपको सी मिल रहा है, मतलब बीच का आउटपुट आपको सी मिल रहा है, तो सी क्या होगा? ए बी आपको इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं, 00, 01, 10 और 11, इसका आपको नैंड करना है, नॉट एंड। तो सबसे पहले नॉट करेंगे, 00 का नॉट 0 और उसका एंड मतलब नॉट 1, 01 का नॉट एंड 0 और उसका नॉट 1, 10 का 0 और फिर इसका नॉट 1 और 11 का 1 और उसका नॉट 0। अब ये ही दोनों इनपुट्स आपको इसमें जा रहे हैं, यानी 11, 11, 11 और 00। अब इन दोनों का मुझे करना है नैंड, तो सबसे पहले मैं करूंगा एंड। 11 का एंड 1 होता है और उसका नॉट 0, 11 का एंड 1 होता है उसका नॉट 0, 11 का एंड 1 होता है उसका नॉट 0 और 00 का एंड 0 होता है उसका नॉट 1। यानी अगर आपने 00 इनपुट दिया तो आपको 0 मिला, 01 इनपुट दिया तो आपको 0 मिला, 10 इनपुट दिया तो आपको 0 मिला और 11 इनपुट दिया तो आपको 1 मिला। और ये जो आउटपुट्स आपको मिल रहा है ना, एंड गेट का मिल रहा है, तो यहाँ पर जो लॉजिक गेट बिहेव कर रहा है वो एंड गेट की तरह। अब अगर मान लीजिए कि आपको और गेट बनाना है बाय द यूज ऑफ नैंड गेट, तो 3 नैंड गेट आपको लेना होगा और इस तरीके से कनेक्ट करना होगा। आप चाहें तो इसका ट्रुथ टेबल से भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे ए है, तो इस पे ए गया, तो ए ही ए दो बार इनपुट है, मतलब इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, यानी 00, तो 00 का एंड 0 होगा उसका नॉट 1 होगा, दैट वन इज 1। सी में अगर 0 इनपुट्स है तो 1 आएगा, 0 इनपुट्स है तो 1 आएगा, 1 इनपुट्स है तो 0 आएगा, 1 इनपुट्स है तो 0 आएगा। यहाँ पे अगर 0 इनपुट्स है तो 1 आउटपुट आएगा, 1 इनपुट्स है तो 0 आउटपुट आएगा, 0 इनपुट्स है तो 1 आउटपुट आएगा, 1 इनपुट्स है तो 0 आएगा। अब इन दोनों का देखिए, ई और एफ का आपको फिर से क्या करना है, नैंड, यहाँ पर नैंड, तब जाके आपको डी मिलेगा और डी जो है ए प्लस बी मिल रहा है, जो आपको एंड में मिलता है, और में मिलता है, जो आपको और में मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे 11, तो 11 का क्या होता है, नैंड, 11 का एंड 1 और उसका नॉट 0, 10 का एंड 0 और उसका नॉट 1, 01 का एंड 0 और उसका नॉट 1, 00 का एंड 0 उसका नॉट 1। अब देखिए, 00 आपने इनपुट दिया तो 0 मिला, 01 आउट इनपुट दिया तो 1 मिला, 10 आपने इनपुट दिया तो 1 मिला और 11 इनपुट दिया तो आपको 1 मिला। और ये तभी होता है जब आपको लॉजिक गेट क्या हो, और हो, तभी 00 का 0, 01 का 1, 10 का 1, 11 का 1। आप पहले भी पढ़े इस चीज को। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे नैंड का यूज करके नॉट कैसे बनेगा या नॉर का यूज करके नॉट कैसे बनेगा। तो नॉट गेट में एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, जबकि नैंड और नॉर में दो इनपुट्स होते हैं, तो वो दोनों इनपुट को कंबाइन कर दिया, यानी एक इनपुट हो गया, तो ये आपको बिहेव करेगा नॉट की तरह। अब दो नैंड लेंगे, दो नैंड लेंगे तो एंड होता है, दो नॉर लेंगे इस तरीके से कनेक्ट लेंगे तो और होता है, तीन नैंड लेंगे तो और होगा और तीन नॉर इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो एंड होगा, ठीक है।